हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। अपनी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ, छोटे बच्चे बोलना नहीं सीखते, उसकी बोलने की उम्र हो गई है और फिर भी वो बोल नहीं सकते, तो क्या कारण हो सकते हैं कि वो अच्छी तरह से बोल नहीं सकते। तो जब बच्चा 6 से 8 महीने का हो जाता है तब वो दादा, बाबा, मामा ऐसे वर्ड बोलने लगता है, और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो तब वह 2 शब्द को जोड़ना सीख जाता है कि मम्मा पानी, खाना दो, ऐसे वर्ड वो बोलना सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तब वह अच्छी तरह से सब कुछ बोलना सीख जाता है, क्योंकि तब उसका शब्द भंडोल भी इतना बढ़ गया होता है कि वो अच्छी तरह से सब कुछ बोल सकता है। वो आपको भी क्वेश्चन करने लग जाता है कि यह क्या है, आप कहाँ हो। पर चिंता तब होती है जब बच्चा 2 से या 3 साल का हो जाता है तब भी वो बोल नहीं सकते, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चा 2 या 3 साल का हो गया फिर भी वो बोल नहीं सकते। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे सब कुछ जल्दी से सीख लेता है और कुछ बच्चे को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपका बच्चा अच्छी तरह से सुन सकता है, आप उसका नाम बोलो तो वो बोल नहीं सकता लेकिन आपकी तरफ देख रहा है, और आपका बच्चा अच्छी तरह से समझ सकता है। आप उसे बाय कहो तो वो हाथ खड़ा कर रहा है, तो आपका बच्चा अच्छी तरह से समझ रहा है। और आपका बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन इशारे के द्वारा ये दो वो दो ऐसा पॉइंट आउट करके वो आपको बता सकता है, तो बच्चा नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ कारण है कि उसे वो बोलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो किस कारण से बच्चा बोल नहीं सकता, तो स्क्रीन के कारण। जो बच्चा ज़्यादातर टाइम मोबाइल या टीवी के सामने बैठा रहता है वो बोलने में थोड़ा टाइम वो जल्दी से बोल नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चा मोबाइल या टीवी के सामने बैठा है तब वो सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन वो बोले ऐसा कोई माहौल नहीं होगा, इसलिए वो बोल नहीं सकेगा। डॉक्टर तो वहाँ तक कहते हैं कि जब बच्चा 2 साल का हो जाए तब उसे 0 स्क्रीन टाइम दो, उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए। कम्युनिकेशन की कमी। जो बच्चा संयुक्त फैमिली में रहता है वो बच्चा बोलना जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहेगा तब उसे बुलाने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, इसलिए वो जल्दी बोलना सीख जाएगा। लेकिन जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है वहाँ तो मम्मा और बच्चा दो ही घर पर होते हैं, तो मम्मा अपने काम में लगी रहती है और बच्चा खिलौने के साथ अकेला खेल रहा है, तो बच्चा बोले ऐसा कोई माहौल ही नहीं होगा, उससे बुलाने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो बच्चा बोलेगा कैसे। आनुवंशिक कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी की फैमिली में या पापा की फैमिली में कोई देर से बोलना सीखा होगा तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। हमें तो पता ही नहीं होगा कि हमारे फैमिली में बोलना किस लोग कहाँ किस टाइम बोलना सीखा था, तो आनुवंशिक कारण से भी बच्चा देर से बोलना सीखेगा। घर में 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है तो भी बच्चा बोलने नहीं सीखेगा, क्योंकि जब दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाएगी तो बच्चा अच्छी तरह से समझ ही नहीं सकेगा, तो वो बोल सकेगा कैसे। क्या करे कि अगर बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाए, तो बच्चे के साथ बातें करें। आप जितना बच्चे को टाइम देंगे, आप जितनी बातें ज़्यादा बच्चे के साथ करेंगे उतना वो बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाएगा। जब आप खाना खिला रहे हैं, जब उसे नहाने के लिए ले जा रहे हैं, तब आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, उसे कुछ भी ऐसे क्वेश्चन करो कि उसका आंसर उसे देना ही पड़ेगा। उसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, उसे पूछो सिंह कहाँ था, कुछ स्टोरी बताई हो तो उसके बारे में उसे पूछो, तो वो जरूर बताए, उसे बताना ही पड़ेगा। तो उसी तरह उससे जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाएगा। उसकी उम्र के बच्चे के साथ खेलने दो। जब बच्चा उसकी उम्र के बच्चे आप कुछ भी सिखाएंगे तो वो सिखाने से नहीं सीखेगा, लेकिन जो बच्चा उसकी उम्र के बच्चे के साथ खेलेगा उसे उसे देख देख कर भी वो बच्चा
ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। इसीलिए जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाए तो उसे प्ले हाउस में भी आप भेज सकते हैं कि वहाँ वो 1 से 2 घंटा रहेगा तो उसे देख देख कर भी वो सारा कुछ सीख सकता है। बच्चा गलत वर्ड बोले तो उसे सही वर्ड जरूर बताओ, क्योंकि जब आप बच्चा छोटा बच्चा कोई गलत वर्ड बोलेगा तो आपको उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि छोटा है बोल रहा है, बड़ा होके सीख जाएगा, लेकिन जब गलत वर्ड उसके दिमाग में एक बार घुस जाता है तो वो सही वर्ड जल्दी से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जब बच्चा गलत को सीख रहा है तो उसे सही जरूर बताओ। बच्चों को स्टोरी सुनाओ, सब बच्चे को स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसे जब आप रात को सुलाने के लिए ले जा रहे हैं तब उसे स्टोरी जरूर सुनाओ। और स्टोरी जब स्टोरी ख़त्म होती है तब उसे स्टोरी के बारे में जरूर पूछो कि सिंह कहाँ गया था, जंगल में कौन कौन से प्राणी थे, तो उसका जवाब बच्चे को देना ही पड़ेगा और बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाएगा। बच्चे के साथ गेम खेलो, बच्चा खेल खेल में भी सब कुछ सारा कुछ सीख लेता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि मम्मी पापा दादा सब कुछ घर पर है और सब लोग अपने अपने नाम बोल रहे हैं, तो जब बच्चे की बारी आएगी तब उसे भी उसका नाम बोलना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ भी आपको उसे बुलाना है तो ऐसा कुछ गेम खेल के भी आप सिखा सकते हैं।